खबर पलामू से है, जहां सदर प्रखंड पंचायत सरजा ग्राम पोखराहा के ग्रामीण जनता कार्डधारियों ने बुधवार को एकजुट होकर डीलर के खिलाफ बैठक की व डीलर पर राशन वितरण न करने का आरोप लगाया। वहीं ग्रामीण कार्डधारियों ने बताया कि जन वितरण प्रणाली दुकान के द्वारा अगस्त माह का राशन हम सभी कार्डधारियों को नहीं दिया गया। वहीं दूसरी ओर ग्रामीणों ने कहा कि राशन उठाव का पर्ची भी नहीं दी गई जाती है। साथ ही बैठक में उपस्थित जिला परिषद पति अर्जुन सिंह चेरो कार्डधारियों के द्वारा सारी बातों को सुनकर बताया कि आगे से राशन नहीं आने के कारण कार्डधारियों को दिक्कत हो रही है। वहीं दूसरी ओर सरजा पंचायत मुखिया पति आनंद कुमार राम ने कहा कि यह पंचायत के ग्रामीणों का मामला है, इसे जरूर देखा जाएगा, क्या सत्य है क्या असत्य है। उसी दौरान बैठक में उपस्थित अरविंद साहू ने कहा कि सितंबर व दिसंबर 2022 का राशन भी डीलर के द्वारा नहीं दिया गया, जिससे कार्डधारियों ने परेशान होकर बैठक की है, जहां पर गणेश मांझी, प्रदीप कुमार, चंद्रशेखर चौधरी आदि उपस्थित रहे। नमस्कार, मैं संजय कुमार सिंह, आप देख रहे हैं टीवी वन इंडिया न्यूज, आजाद भारत की आवाज। ग्राम पोखराहा में जो है कि राशन के लेकर के जो मामला हुआ है, जो कि ग्रामीण यहाँ पे उपस्थित होकर के एकजुट होकर के जो है सभा किया और जो है कि डीलर के ऊपर यहाँ आरोप लगा रहा है। सबसे पहले हमारे बीच जो उपस्थित जिला परिषद महोदय जी हैं, मैं इनसे जानना चाहूँगा सर, क्या मामला है? यहाँ पर जो उनके परिसर के बगल में जो है बैठक किया है, जो डीलर है इसके चलते जो है कर्धारी एकत्रित हुए हैं। और हम लोग भी जानते हैं कि अभी फिलहाल आपका इस माह के सदर प्रखंड में सभी डीलर का जीरो किया है। अब इसका दुश्वार जिला प्रशासन है या राज्य सरकार है या डीलर है, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्या ऐसा परिस्थिति हो गया कि पूरे प्रखंड में डीलर का राशन जो है से उठाव नहीं हुआ, ये तो जिला प्रशासन ही बता सकते हैं। इसका हम लोग भी जिला प्रशासन के पास इसका बात रखे हैं और इस सभा के माध्यम से भी आज जिला उपायुक्त महोदय के इस समस्या से अवगत कराया जाएगा। देखिए, यहाँ पे ग्रामीण लोग उपस्थित है, राशन कार्ड भी है, क्या समस्या आप लोग को हो गया? ये सभी समस्या ये कि राशन इस माह को अगस्त महीने को नहीं मिल पाया है, तो हम लोग को राशन चाहिए, हम लोग गरीब आदमी हैं। राशन कितना मिलता है? जो कि 35 केजी होना चाहिए। बता रहा है सर जी, क्या कहना है? अगर चारों वर्ष जब फ्री में जब राशन मिलता है, कितना सुनिए ना, बायोमेट्रिक सिस्टम है, कोई एक ही आदमी उसमें लगा अच्छा एक मैं जानना चाहूँगा, जो कंप्लेन है अपनी राशन को मांग कर रहा है, आखिर एक मंथ से राशन क्यों रुका हुआ है, इसी बात को जानने के लिए जो है कि पब्लिक इकट्ठा हुआ है, तो आखिर ये बात जो है कि कितना यहाँ पे जिला परिषद भी उपस्थित है और हमारे ग्राम मुखिया भी उपस्थित हैं और एक मंथ का राशन आखिर क्यों नहीं मिला है, इस विषय में आप क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? 3 महीने का नहीं मिला हुआ है, पूछा गया है, कौन पता है? मिला है, मिला है, मिला है, हम लाइट का राशन ले रहे हैं और हमारा राशन ले रहे हैं, मिला रहा हूँ, हमेशा रहता है 2022 पता चला कि
वहाँ जाकर बोल रहे हैं कि नहीं आप शुक्रवार को आइए। आप बीसी साहब पास कर रहे थे ये मुद्दा राशन के मामला के लेकर, राशन के लेकर के आपको खाद आपूर्ति विभाग पास जाना चाहिए ना, तो वहाँ भी जाते हैं तो वहाँ कोई भेंट नहीं करता है, हम लोग सोचे कि जाते हैं नाम नहीं दे रहे हैं, वहाँ भी हम लोग नहीं मिल पाए तो हम लोग जनता को इकट्ठा किए और आप निमंत्रण दिए हमारा आवाज को ऊपर तक पहुँचाया जाए। क्या ये मामला सबसे बड़ा कारण है कि आज ये अगस्त महीना का जो राशन केंद्र सरकार द्वारा मिला पर इधर लोग को पूरे सदर प्रखंड में, सदर प्रखंड में पूरे जैसे इस माह अगस्त में राशन सितम्बर और दिसंबर में 2022 में उतना मिक्स है लेकिन फिर भी अभी उसका जो है पूर्ति नहीं हो पाया, उसी का सुधार चल रहा है जिसे कहा जाए ये सदर प्रखंड और जंगली क्षेत्र में वितरण हो जाता है, इनके नजर के सामने वाला प्रखंड में क्यों नहीं उठाओ हो रहा है, आखिर काहे नहीं दे रहे राशन, ये जिला पदाधिकारी कुछ काम करते नहीं कि आखिर यहाँ सदर प्रखंड में क्यों नहीं दे रहे हैं, सदर प्रखंड में नहीं आ रहा राशन के कहने के मुताबिक सदर प्रखंड को नहीं दिया जा रहा है, तो मान लीजिए किसी महोदय के लिए जानकारी होना चाहिए ना कि सदर प्रखंड आपके जिला के नज़दीक में है, बाकी जंगली क्षेत्र का प्रखंड जो है उधर वितरण हो जा रहा है लेकिन यहीं पर इनका है नहीं हो रहा है। इस तरह की समस्या जो है कि गांव में जो आज इतना राशन कार्ड लेकर के उपस्थित हुए हैं और जो है कि अपना एक जट्ठा ग्रुप बना करके अपना आवेदन सौंप रहे हैं जिला परिषद और अपने ग्राम के मुखिया को कि इस तरह की समस्या है। देखिए इतना राशन कार्ड जो कार्डधारी जो है कि सब आकर के अपने काम काज को छोड़ करके जो है कि एक मंथ का राशन लेने के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं और बैठ करके जो है कि अपने मांग कर रहे हैं और इनको जो है कि राशन मिला ही नहीं पड़े हुए और उसे जो है कि एक एक मंथ का जो है कि राशन यदि अगर रोक दिया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से तो बताइए कि वो लोग क्या खाएंगे। आखिर खेती यहाँ पे पलामू मोहता नहीं है, पलामू की डेटा आप जब देख रहे हैं सुखाड़ है और फिर भी जो है कि राशन रोक दिया जा रहा है, जो तो खेती होता माननीय हाथी खा जा रहा है जी। अब इस तरह से है, अब वार्ड सदस्य हैं, आपका लोकल लोग हैं, आप ये बताइए इस तरह का हो रहा है, एक ही राशन नहीं मिल रहा है तो कैसे चलेगा, कैसे उसका घर परिवार चलेगा। सभी को जुटाए यहाँ पर जी, हम खुद कार्डधारी अच्छा हम सबका घर परिवार चलेगा, सभी को जुटाए यहाँ पर जी, हम खुद कार्डधारी अच्छा हम सबको जुटाए कि भाई आप लोग आइए हमारे साथ दीजिए, मीडिया प्रभारी और जनमान लोग आएंगे, मुखिया जी जिला परिषद हम लोग राशन पर राशन के साथ साथ हम लोग याद तकलीफ है पब्लिक, हम लोग को राशन देने वाला तो खैर राशन जा लेकिन जनता का तकलीफ को समझ सकते हैं क्या होगा, इसीलिए हम लोग बुलाए हैं, बार बार मेरे पास आता है कि राशन नहीं मिल रहा, हम लोग का दबाव क्या है मेरे पास आता है, यही समस्या है गांव के लोग जब जाते हैं किसी साहब से मिलने तो समय नहीं दे पाते और जो है कि राशन लेने के लिए आज जो है कि सब पूरे के पूरे अपने काम से छोड़ करके और यहाँ पे बैठे हुए थे, शायद एक मंथ का राशन मिल जाए। टीवी वन इंडिया न्यूज के साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मैं सनी कुमार सिंह, जय हिंद। देखिए हमको कार्ड में नाम है लेकिन मेरा राशन नहीं मिलता और 10-12 महीना हो गया, 10-12 महीना हो गया हाँ, उसमें क्या समस्या, नेट 15 का तो नहीं है, सब तो ऑनलाइन आज तक चला था, नेट पता नहीं है सर कैसे नहीं है, मेरा कमरा कैसे नहीं, कौन बोला है कि नेट पर नहीं है, जो ऑनलाइन कराने गए वो जो डीलर है वो बोले कि आपका नाम नेट पर है ये नहीं,
ना इनका नाम डिलीट हो गया है, मेरा नहीं है, इनका नाम डिलीट हो गया है ना, तो कमेश यादव का नहीं, नाम डिलीट हो गया है कार्ड से, कमेश यादव से इंदर के अभी होता है ना, इसमें इनका नहीं, पहले था कमेश यादव का ना, पहले साथ मिल रहा था लेकिन कट गया, और इसको लेकर के नहीं होगा तो आप कह रहे हैं कि ये डीएसओ के खाते में छूट गया, हाँ जो खाला को विभाग है आपका डीसी ऑफिसर वहाँ पे फॉर्म भर के देना होगा, सब करके तब जाके वहाँ ऑनलाइन होगा।